शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भावपूर्ण स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी के सत्य व अहिंसा के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी जी और देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। आज हम उनको अपने सुमन अर्पित करते हैं। जहाँ एक बार एक तरफ हम देखते हैं कि गांधी जी ने एक अहिंसक आंदोलन देश की आज़ादी के लिए चलाया, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का आह्वान करके देश को सैन्य की दृष्टि से और कृषि की दृष्टि से देश को संपन्न करने का आह्वान किया था। वहीं उत्तराखंड के इतिहास में एक काला अध्याय भी जुड़ा था, जब रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में शांतिप्रिय तरीके से राज्य के निर्माण के लिए मांग करने जा रहे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को गोलियों से भुना गया। यही नहीं तो तमाम बर्बर अत्याचार, माँ बहनों का अपमान वहाँ पर जिस ढंग से किया गया, उस रूप में भी उत्तराखंड आज के दिन को देखता है, याद करता है और उन सब शहीदों को भी आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस राज्य निर्माण के लिए अपने जीवन की आहुति दी, तमाम तरह के अपमान किए। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर राष्ट्र को संकट की घड़ी में स्वाभिमान और एकजुटता के साथ मजबूती से खड़े होने का रास्ता दिखाया। देहरादून से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सौरभ सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।